तो हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। तो मैं अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा के बारे में बहुत सारी जानकारी देते रहता हूँ। जो भी रोड पे गाड़ी चलती है, पोस्ट्रोक हो, टूस्ट्रोक हो, कार हो, टू व्हीलर हो या बड़ी ट्रक हो, कोई भी गाड़ी चलती है तो उसमें से निकलने वाला पॉल्यूशन के बारे में आज की जानकारी। दोस्तों, यहाँ टूस्ट्रोक हो या फोस्ट्रोक या फिर LPG, CNG या पेट्रोल, गाड़ी आपकी कोई भी हो, पर ऑटो रिक्शा का जब PUC किस तरह निकलता है उसके बारे में आज की जानकारी। दोस्तों, यहाँ फटाफट आगे चलते और देखते हैं। PUC सेंटर पे ले जाने के बाद आपको ऑटो रिक्शा इस तरह खड़ा करना है, उसके बाद आपका ऑटो स्टार्ट करना है। दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर पर आपका गाड़ी का फ़ोटो और गाड़ी का नंबर डालने के बाद उसका जो गाड़ी का भारत जैसे BS6 हो, BS4 हो या BS6 कोई भी ऑटो हो, तो वो उस पर ऑनलाइन होने के कारण पता चलता है। उसके बाद दोस्तों, गाड़ी का जो साइलेंसर में नोज़ल, जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड, ये चेक किया जाता है गाड़ी जब स्टार्ट होने के बाद। आपको पता है ये काम ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब होने के बाद प्रक्रिया आपको जो PUC का जो सर्टिफिकेट है इस तरह मिलता है। दोस्तों, ये 6 महीने के लिए होता है। तो दोस्तों, यह आपको साल में 2 बार ज़रूर उसका PUC निकलना है। तो दोस्तों, यह आपको PUC का जो लॉन्ग फॉर्म होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, यह ध्यान देना है आपका PUC जो कब निकलता था उसके ऊपर मैंने आपके लिए आपकी राय पूछी थी या फिर आपसे सवाल पूछा था कि आप PUC कब निकलनी चाहिए या फिर कभी नहीं निकलनी चाहिए या फिर 1 साल में। तो दोस्तों, यह बहुत से ऑटोडायर जो जानते हैं उनको पता है 6 महीने में 1 बार PUC बनाना चाहिए और साल में 2 बार। तो दोस्तों, ऑटो टायर बहुत ही होशियार होते हैं, आपको पता ही है, और जो होशियार है उनके लिए तो मैं उनकी तारीफ ही करना चाहूँ। दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना, और चैनल पे नया हो तो बेल आइकन दबाने से आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।